अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। दोस्तों आपके साथ सैफी भाई यानी कि सरफराज अहमद के हवाले से एक बड़ी अपडेट शेयर करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आबिद अली को मिली है एक बड़ी खुशखबरी, वो अपडेट भी दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों कल मीडिया से बात करते हुए सरफराज अहमद ने कहा है कि जिस तरह की आप मीडिया के ऊपर पोस्ट देख रहे हैं कि सरफराज अहमद जो है वो नाराज़ हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के मैनेजमेंट के साथ और उसके बाद जो पाकिस्तान के मैनेजमेंट है उसके साथ, तो सरफराज का कहना है कि मैं बिल्कुल किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं नाराज़ होकर क्या करूँगा। तो उनका कहना था कि मैं इस वक्त जब वो ड्रामे के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और परिजात जो ड्रामा है मैं वो देख रहा हूँ, आप भी देखा करें, ये सरफराज अहमद का कहना था। और उनका कहना है कि मैं तो खुश हो रहा हूँ कि शाहिद खान अफरीदी जिस तरह की क्वेटा की टीम में आए हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिस तरह के मैं उनके साथ रेगुलर खेलता रहा हूँ पीछे पहले भी, तो जिस वजह से उनका कहना है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ शाहिद अफरीदी के मसले, लेकिन मैं नाराज़ किसी से नहीं हूँ जिस तरह की आप पोस्ट देख रहे हैं। दोस्तों दूसरी अपडेट ये है कि आबिद अली का नाम आया है प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। दोस्तों आबिद अली के साथ डेविड वार्नर और टिम साउथी जो हैं उनका नाम भी शामिल हुआ है। दोस्तों यही तीन खिलाड़ी हैं, आबिद अली, उसके बाद डेविड वार्नर और टिम साउथी, इनका दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए नाम आया है। अब क्या आबिद अली के इस ख्वाब की तकमील हो पाती है या नहीं, आप भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब देना कि क्या आबिद अली को प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो आबिद अली को मिलना चाहिए या फिर डेविड वार्नर और टिम साउथी में से किसी एक को मिलना चाहिए। दोस्तों अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो